इस वक्त हम लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद है, जहां पर बीजेपी की वापसी आने को लेकर लगातार जश्न मनाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें, लखनऊ में लगभग 9 विधानसभाएं हैं, जिसमें कि सभी 9 विधानसभाओं में बीजेपी अभी तो फिलहाल प्राथमिकता में आगे चल रही है, जिसका जश्न पार्टी मुख्यालय बीजेपी में मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी में किस तरीके से लोग झंडों के साथ और गुलाल के साथ पूरे जोश के साथ यहां पर जश्न मना रहे हैं। उनका पूरा यकीन है कि अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री रूप में वापस आएंगे। इतना ही नहीं, यहां पे हम कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि आखिर क्या बीजेपी का रुझान रहा है, कि किस तरीके से लोगों में बात करेंगे। भाई क्या लगता है, बीजेपी जिस तरह से आगे चल रही है तो और आगे भी कंटिन्यू क्या इसी तरह बरकरार रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, योगी और मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है, निश्चित ही वो आगे बढ़त बनाएगी। आपको क्या लगता है, लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में अभी तो आगे चल रही है, 9 की 9 ले जाएगी? 9 की 9 लाएंगे हम, 9 की 9। और सारनाथ वाली भी, हाथरस वाली, वो 3 की 3 लाएंगे हम, ठीक है। और बाकी रही अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव 80 में ही समटेंगे, जो 120 दिखा रहा होगा वो अखिलेश यादव जी देखा जाए तो बता रहे बहुत ही कम दाम में गिरेंगे। हमारे साथ मौर्य जी भी मौजूद है, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी, वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि बीजेपी का क्या रुझान रहा है और बीजेपी किस तरीके से आगे निकलेगी। मौर्य जी एक मिनट, बीजेपी का किस तरह जिस तरह देखा जा रहा है 9 सीटों में आगे बढ़ रही है, और आगे कितनी सीटों में निकलेंगी? देखिए, भाजपा जिस तरह से बढ़ोतरी कर रही है, भाजपा जीत चुकी है और यहाँ पे हम सब जश्न के लिए खड़े हैं। और जिस तरीके से भाजपा बात करती है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, वो जनता ने विश्वास दिखाया है हमें और हम सब यहाँ उसी का जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस का क्या होने वाला है, कांग्रेस छोड़कर आप आई थी? देखिए, कांग्रेस का आप क्या ही कहें, महिलाओं की वो बात करती है, लेकिन प्रियंका गांधी पे प्रियंका मौर्य भारी पड़ चुकी है और भगवा फिर से लहरा रहा है, भगवा धारी भारी पड़ चुके हैं उनपे। और जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ महिलाओं की बात की, एकमात्र ये भाजपा पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान देती है, सिर्फ बात नहीं करती है, यही कारण है कि महिलाओं ने भी अपना विश्वास दिखाया है भाजपा पार्टी में। और प्रियंका गांधी को ये चीज मान लेनी चाहिए कि दलालों से घिरी हुई है और जब तक बाहर नहीं निकलेंगी, 403 में से 3 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी सरकार में आ रही है, कंफर्म है, क्या लगता है बीजेपी अभी तो शुरुआत में इतना अच्छा चल रही है, आगे क्या बरकरार रहेगी? आगे आगे और भी, हम लोग 300 से पार जा रहे हैं, हम लोग कम लोग करीब 400 पहुंच रहे हैं, और महिलाओं ने इसमें, महिलाओं का बहुत बड़े भागी रहा इसमें, महिलाओं ने निकल निकल करके अपना वोटों का काम किया, वोटों करने का काम किया, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा काम किया योगी जी ने। आज बहन बेटी कॉलेज से, स्कूल से, किसी भी तरह से भी अपना पहुंच जा रही है। फिलहाल बीजेपी का यहाँ का नजारा देखने से तो ये साफ क्लियर हो रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में योगी फिर से आने वाले हैं और फिर से जो गुंडे माफिया है उन पर बुलडोजर चलने वाला है। क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर? समाजवादी पार्टी गुंडों को, माफियाओं को चुनाव लड़ा रही थी, अपराधियों को, उसका यही हश्र होना था। ये अपराधियों की विचारधारा से इनको राजनीति में ला के चुनाव नहीं जीते जाते हैं, ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं है, ये विचारधारा, विकास की विचारधारा, राष्ट्र प्रथम की विचारधारा से चुनाव लड़ा जाता है और वो विचारधारा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी अपराधियों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के बल पे चुनाव लड़ रही थी, यही उसका हश्र होना था। बीजेपी हर सीट पे आगे निकल रही है, लखनऊ की सारी सीटें सपा हार रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, यही होना था, ये कोई नई चीज नहीं है। मैंने पहले दिन कहा था कि 1,00,000 वोट से सरोजनी नगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सपा मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा इस बार। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभा साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।